हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल क्रिएटिव कॉर्नर बाय दीपाली। आज मैं जो वीडियो लेकर आई हूँ आपके सामने, वो मेरा लास्ट वीडियो का ही कंटिन्यूस पार्ट है। ये सेकंड पार्ट है उस वीडियो का। लास्ट वीडियो में मैंने आपके साथ पेपर मैशी का एक बॉल बनाना शेयर किया था, और इस वीडियो में मैं आपके साथ पेपर मैशी का ही छोटे छोटे गिफ्ट आइटम्स जो हैंगिंग्स होते हैं वो बनाना शेयर कर रही हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। हम सबसे पहले बॉल बनाएंगे। कोई भी प्लास्टिक का बॉल लेंगे और इसके ऊपर जो डो हम लोगों ने पिछले वीडियो में बनाना सीखा था पेपर मैशी का, वही सब इंग्रेडिएंट्स के साथ हमें वो डो बनाना है और वो इसके ऊपर लगाना है। अच्छे से डो लगा देंगे, इसको अच्छे से प्रेस करते करते। फिर सूखने के बाद इस बॉल के सेंटर में मार्किंग करेंगे, और मार्किंग करके इसे ब्लेड से धीरे धीरे काटेंगे। इस बॉल का सूखना बहुत ज़रूरी है, जब तक अच्छे से सूखेगी नहीं तब तक ये ठीक से कटेगी नहीं। सूखने के बाद ये अच्छे से कट भी गई और धीरे धीरे निकल भी गया बॉल से बाहर। अब ये बॉल हमारा टू पार्ट्स में हो गया है। जब हम इसमें सेंटर मार्किंग करते हैं तो फिर साथ में एक और निशान भी लगा लेंगे, ताकि जॉइन करने के लिए हमें पता रहे कहाँ से कहाँ पर जॉइन करना है। फिर कोई भी एक पार्ट के सेंटर में टॉप पे हम होल करेंगे, क्योंकि ये हैंगिंग है तो हमें इसको टांगने के लिए कुछ लगाना पड़ेगा। मेरे पास ये क्राफ्ट वायर है जो मैं इसमें इंसर्ट कर दूंगी, और इंसर्ट करने के बाद इसको जितना बाहर चाहिए उतना बाहर रख के अंदर टर्न कर देंगे इसको दोनों साइड, ताकि ये निकलेगा नहीं। अब इसको हम फेविकॉल की हेल्प से जॉइन कर लेंगे। पूरा जॉइन करने के बाद पूरे में एक कोट फेविकॉल का लगा देंगे। सूखने को रख देंगे थोड़ी देर के लिए। मैंने दो बॉल्स बनाए हैं। अब हम एक कोट इस पे टिश्यू पेपर का लगाएंगे, ताकि ये स्मूथ हो जाए। फेविकॉल को डाइल्यूट करना है पानी से, और साथ में टिश्यू पेपर लगाते जाना है। पूरे सरफेस को अच्छी तरह टिश्यू पेपर से कवर। सूखने के बाद इसके ऊपर हम एक्रेलिक कलर करेंगे। कोई भी ब्राइट कलर कर सकते हैं अपनी चॉइस का। लाइट कलर है तो हमें दो कोट करने होंगे, और अगर हम डार्क कलर ले रहे हैं तो एक कोट से भी हो जाता है। बस नीचे का सरफेस नहीं दिखना चाहिए। अब ये सूख गया है, इसके ऊपर दूसरे कलर से डिजाइनिंग करेंगे। मैंने ब्लैक कलर से स्क्रॉल किए हैं। कश्मीरी पेपर मैशी में बहुत ही ज़्यादा इंट्रिकेट डिज़ाइन बनाना होता है हमें, बिल्कुल बारीक बारीक डिज़ाइन बनाना है पतले ब्रश से। ब्लैक कलर से स्क्रॉल करने के बाद मैं इसमें रेड कलर से डॉट्स लगाऊंगी, ताकि डिज़ाइन थोड़ा और बिजी हो जाए।
उसके बाद गोल्डन कलर से थोड़ा थोड़ा हाइलाइटिंग करेंगे। कोई भी डिज़ाइन अपनी चॉइस का बना सकते हैं। अभी दूसरे वॉल पे मैं बना रही हूँ। थोड़े ब्राइट कलर्स लेने से ही डिज़ाइन सुंदर लगता है, और उसके बाद फिर ब्लैक कलर से इसमें बीच बीच में आउटलाइनिंग करेंगे और हाइलाइटिंग करेंगे। गोल्ड कलर से भी थोड़ा थोड़ा शेडिंग करेंगे इसमें, उससे थोड़ा शाइन आ जाती है। इसके बाद मैंने ये एक लीव बनाया था पहले ही, और इसको बनाना कुछ मुश्किल नहीं है। मैंने सीधा सीधा इसको किसी भी स्लैब के ऊपर एक डो को रख दिया, सेट कर दिया, फिर उसके बाद उसको लीव का शेप दे दिया और उसको रात भर छोड़ दिया। मॉर्निंग में उसको नाइफ की हेल्प से मैंने निकाल दिया और उसको किसी प्लेट के ऊपर सूखने को रख दिया। तो लीव बनाना भी बहुत इजी है और इसको अपने चॉइस से पेंट कर सकते हैं। मैंने एक बेस कलर करके ब्लैक कलर से इसके ऊपर एक छोटी सी पत्ती और बनाई है और गोल्ड कलर से इसमें शेडिंग कर दी। इसमें मैंने बारीक डिज़ाइन नहीं किया है क्योंकि कलर तो हम अपनी चॉइस से कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं हर चीज़, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है किसी भी चीज़ को करने के लिए। अपना चॉइस से हम कुछ भी चेंज कर सकते हैं। इसमें मुझे डोरी लगानी है तो मैंने बीच में बस एक होल किया है, इसमें वायर डालने की ज़रूरत नहीं है, मैंने वुलन थ्रेड डाला है। इसको डेकोरेटिव बनाने के लिए मैंने बीच में धागे के अंदर कुछ बीड्स डाले हैं, सबके साथ मैचिंग मेरे पास कुछ बीड्स पड़े थे, तो जैसे जैसे मेरे पास जो अवेलेबल था मैंने सब में डाल दिया। ये रेड कलर का जो मैंने बेल शेप बनाया हुआ है, ये मैंने पहले बनाया था। अब मैं हर चीज़ का वीडियो इसमें नहीं डाल रही हूँ, नहीं तो फिर ये बहुत लंबा हो जाएगा। हम अपनी चॉइस से कुछ भी बना सकते हैं। ये सब बनाने के बाद जब ये बॉल्स रेडी हो गए, हमारे लीव्स रेडी हो गए, सब कलर सूख गए, तो मैंने इनके ऊपर एक कोट वार्निश का किया है। वार्निश करने से हमारा जो कलर है वो फास्ट हो जाते हैं, थोड़ा सा पानी पड़ने से भी कलर ख़राब नहीं होते और इसका लाइफ बढ़ जाता है। तो वार्निश मैं नहीं दिखा रही हूँ इसमें, ये देखिए। ये बहुत ब्राइट लग रहे हैं, बहुत सुंदर लग रहे हैं हैंग किए हुए। मैंने इनको वुडन स्टिक पे हैंग किया है डिस्प्ले के लिए। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मैं जल्दी मिलती हूँ आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ में। टिल देन, गुड बाय, टेक केयर एंड स्टे सेफ।